इस पवित्र गुरु पूर्णिमा के महान पर्व पर उस परमपिता परमेश्वर जो मेरा मूल गुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, उस गुरु को, उस भागवत सत्ता के गुरु तत्व को अपने जीवन में उतारने का एक आध्यात्मिक, एक तात्विक तरंग को रोम रोम में बसाने का संकल्प लेते हुए आज इस विशिष्ट हवन यज्ञ कार्यक्रम को प्रारंभ करने की पूरी तैयारी के साथ 3 बार लंबा गहरा सांसों के साथ ओम का उच्चारण कराइए। इसके बाद पुनः अब इंद्रिय स्पर्श मंत्र दाएं हाथ से जल को बाएं हाथ में लेते हैं, हल्का सा, केवल हमें एक भूमिका अदा करना है। जब जल पी ले कभी तो उसे थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेते हैं उस जल को लेकर के, और दाएं हाथ से जल को लेकर के बाएं हाथ में लिया थोड़ा सा जल। अब इंद्रिय स्पर्श मंत्र एक एक अंगों को स्पर्श करना है, जैसे कोई भी अंग को छुएंगे तो ऐसे पहले दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ नासिका को छूना है तो फिर ऐसे लगाएंगे, फिर दाहिने से फिर बाएं तरफ, फिर ऐसे यहाँ, फिर यहाँ ऐसे करके आँख को, तो दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ ऐसे करके। तो आइए ओम वाकह वाकह, ओम प्राणह प्राणह, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यतो बलम्, ओम करतल कर पृष्ठे,
इसे हाथ के चारों तरफ लगा करके ये एक एक अंग को, ये विधान है कि एक एक इंद्रियों को तात्विक तरीके से, ये हमारे डिपार्टमेंट है, इन अंग को तात्विक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से जब संयमित करते हैं, संतुलित करते हैं, तो हमारा मन और हमारा चित्त हमेशा प्रसन्न होता है और हम एकाग्र चित्त होकर के हम सभी कार्य को ध्यान युक्त करने का प्रतिफल संकल्प लेकर के जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अगला अभ्यास हम करते हैं, ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्र। फिर दाया हाथ से बाएं हाथ में जल लेते हैं और इसमें ना ऐसे करके से ऐसे उसमें छींटना है, छींटा मारना है उसे। ओम भोकुना तुशीरते, ऐसे सत्ती ऐसे अंगूठा है, तजनी है और मध्यमा मिला करके ऐसे। ओम भोकुना तुशीरते, ओम भुवा पुना तु नेत्रयो, ओम भुवा पुना तु कंठे, ओम महापुना तु हृदय, ओम जना पुना तु नाभ्याम, ओम तपा पुना तु पादयो, ओम सत्यम पुना तु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुना तु सर्वत्र। चारों तरफ चारों दिशाओं में जल को छींकते हैं। फिर अगला प्राणायाम मंत्र, ओम भु, ऐसे पीछे से बोलना भी है, ओम भुव, ओम भुव, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। और इसके बाद वाह्य प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना करके त्रिबंद लगाना। यह है कि हम अपने निम्न चेतना से उच्च चेतना में जाने का प्रवास, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्रों तक जागृत करने का यह आध्यात्मिक प्रयास। अघमर्षण मंत्र, ओम रीतं च सत्यं च भिन्ध्या तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततो संवत्सरो अर्णवः, ओम समुद्राधर्णवा धरि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदरेत मेषतो वसि, ओम सूर्या चंद्रमशौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षो स्वाहा। फिर आजीवन मंत्र करते हैं, ओम सन्नो देवी रभिष्य आपो भवन्तु पीतये संयोर भित्रवन्तु नः। तीन बार जल लेके पतंजलि में से पीते हो तो तीन बार, गंगा जल है इसको पी जाए पूरी तरीके से। हम क्या ना बहुत लोग ऐसे छोटे छोटे से पी जाते हैं अंदर, और यह पवित्रता हमारे बाह्य स्वरूप से आंतरिक स्वरूप को पूर्णता पवित्र करता हुआ, मैं बाहरी और आंतरिक तरीके से मन कर्म और वचन से शुद्ध होने का संकल्प लेते हुए जब तीन बार आचमन हो जाए तो फिर थोड़ा जल लेकर के और शुद्धिकरण कर लेते हैं। फिर मनसा परिक्रमा मंत्र, आंख बंद कर लेंगे, ध्यान लगाएंगे और जो मंत्रों का जाप करो उस मंत्रों के साथ अपने आप को समाहित करने का, अपने आप को उसमें समर्पित करने का भाव जागृत करते हुए दुआई। ओम प्राची दिगंगदेपतिरसो रक्षितादित्यः ईशव तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायतिभ्यो नमायभ्यो वस्तु योमस्मान् देशीयं वयं द्विस्मत्सं भोजं भेदद्मः। ओम दक्षिणादीन्द्रोऽधिपतिरस्य राजि रक्षिता पीतरः ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायतिभ्यो नमायभ्यो वस्तु योमस्मान् देशीयं वयं द्विस्मत्सं भोजं भेदद्मः। ओम प्रतिशीदिग्वर्णोऽधिपति प्रदाकु रक्षितान्यमीशवः
तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायतिभ्यो नमायभ्यो वस्तु यो अस्मान् वेष्टिं यं भयन्ति स्म सम्भोजं भेद नमः ॐ उदीचीदिप्तो मोऽधिपति स्वजो रक्षिता सरिसवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमायतिभ्यो नमायभ्यो वस्तु योमस्मान् धिष्ठ